हमारे साथी भाई और बहन सभी धर्म के, हिंदू मुस्लिम और सिख, सभी जात के जहां लोग आए हैं, गुलाम नबी आज़ाद के हित में ये साहब आज हम सब रिजाइन कर रहे हैं। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रेजिग्नेशन पहले ही दिया हुआ है, उन्हीं की सपोर्ट से हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया और कांग्रेस को एक मजबूत बनाया। कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद साहब का 45 साल से एक सफ़र रहा है और उनके परिवार के साथ भी एक सफ़र रहा है और उनके साथ एक नाता जोड़ा रहा है जिनमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत ही काम किया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जूथ में जनरल सेक्रेटरी रहे, PCC के प्रेजिडेंट रहे, वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, इसी तरह AICC में रहे और इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया एज ए जूनियर मिनिस्टर। मैं उनकी दाद देता हूँ, उन्होंने एक अच्छे अपने टर्म पे बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने मन से ढाई शिफ्टों में काम किया है जिसमें 18 घंटे 20 घंटे में उन्होंने अपना काम करके वो देश को दिखाया है, वो कांग्रेस को एक मजबूत बनाया है। और जहाँ जहाँ पर उनको पद मिला है उनका एक विजन था, उनका एक ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनका परिवार भी साथ जुड़ा हुआ था। आज़ाद साहब अकेले नहीं थे, सबसे पहले उनके परिवार के उनके साथ उनको सपोर्ट थी। 2014 में कांग्रेस पार्टी स्लो बाय स्लो नीचे डोन जाती रही, जहाँ जहाँ स्टेट में कहीं इलेक्शन हुई है वहाँ वहाँ कांग्रेस को हार मिलती रही, जिसमें एक दो स्टेटें बची हैं जिसमें कांग्रेस है। 2014 से लेकर आज तक हज़ारों MLA MP बहुत सारे कार्यकर्ता प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट और एक्स मिनिस्टर सभी ने रिजाइन किया है। ये आज हम उनकी ही उनको हम पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक गांधी ग्लोबल के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। थोड़ा पीछे।